करते हैं, सब लोग इस आदमी को पागल बोल रहे हैं। सही आवाज़ यही उठा रहा है और कोई नहीं उठा रहा है। जिसके पास माइक जा रहा है यहाँ पर भाग जा रहा है। जब आप लोग आवाज़ उठाएंगे तभी ना कुछ होगा। पैसों की आग में न्याय की किताबें नहीं जलती तो शायद ऐसी ऐसी हत्याएं अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता। प्रशासन अगर सही से ध्यान देती तो शायद एक घर का वृद्ध जो घर गृहस्थी चलाता था दो नदी के उस पार, उसकी मौत रहु लोग के साथ तो हो सकेला। आवाज़ ना उठाएं लो तो रहु लोग विधवा हो सके नहीं लो। पूरा शरीर मतलब सर फोड़ दिया गया बा। हाँ, कोई चल के रहने यहाँ के? अब यहाँ बेटा पता ही खुदे हमें लो। हम कई साल के? पचास लगभग 60-70 साल के ना। हाँ, 60-70 साल के उम्र बा। हाँ। सब ये बेरम के खाना लेके जाने जा। हाँ। आसाम के बना के चले हम जा। नाई से जाने लो? हाँ, नाई से जाने। दो नदी पार बनी हो? हाँ, एगो एजू भी जाए एगो नी भी अभी चला। हाँ, घगरा और ये सरयू दोनों नदी पार करके वो बगल दिया में ना। हाँ, वो बगल जाने। किसी से दुश्मन नहीं होगा ना? तो केव से झगड़ो रगड़ो नहीं के बाद किंग मतलब बारे संचाकू वगैरह घोप के पूरा तो लगा था कि चाकू यान घोप ले वालो। हाँ। देते बनी पूरा आँखों के में पूरा सब चाकू मारल बस खाली कपारे आँख में। कितना ले चाकू मारल गए लो? क्या परवा आएगो कपारे में बाटे। हाँ, के कपारे में बाटे। उम्र यहाँ के 60-70 साल? हाँ, 70 साल की उम्र 70 साल रहा। अगर पैसों की आग में न्याय की किताबें नहीं जलती तो शायद ऐसी ऐसी हत्याएं अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता। प्रशासन अगर सही से ध्यान देती तो शायद एक घर का वृद्ध जो घर गृहस्थी चलाता था दो नदी के उस पार, उसकी मौत नहीं होती हुई होती। यहाँ पर चाकुओं से घोप कर बुरी तरह इस वृद्ध को मौत के घाट उतार दिया गया है। इस समय इस घर की स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। प्रतिनिधि, थाना पुलिस सब यहाँ पर इकट्ठी हुई है। ये मामला सिवान जिले के घुटनी प्रखंड के ग्यासपुर गाँव का है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर घाघरा नदी पड़ेगा, उसके बाद एक सरयू नदी पड़ेगा। उस सरयू नदी के उस बगल जो दियार है उसमें इनका घोटा था। वहाँ पर गाय भैंस को देखते थे, चराते थे, खिलाते थे और वहाँ पर इनको रात में बुरी तरह चाकुओं से घोप कर मौत के घाट उतार दिया गया है। चेहरे पर चाकुओं से कई वार किया गया है, बॉडी पर किया गया है, उसके बाद मौत के घाट उतार दिया गया है। इस समय घर वालों की यहाँ पर बुरी हालत है, रो रो कर सबका इस समय बुरा हाल है देख सकते हैं। और पुलिस प्रशासन आई है, प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अब देखते हैं निवारण क्या निकलता है। और यहाँ पर आस पड़ोस के लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आइए हम लोग प्रतिनिधि से बात करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो घर है, चाची रहुआ घर के हैं? हम का बताएं, घर के हैं का किंग का बोलो कहाँ है यहाँ का लगा? लड़का लगा। लड़का किंग का क्यों से दुश्मनी हो गया ना? क्यों से दुश्मनी ना रहा? दो नदी ऊपर रहता है। हाँ, ना करते नहीं हो वहाँ? वो गोरु भैंस हम लोग रखे हैं, खेती बाड़ी सब वहीं होता है, वहीं अपने कमाते खाते हैं। वो पिताजी वही रहते हैं, हम यहाँ अपन मजूरी करके या हमारा वो औरत रोज जाती थी खाना बना करके ले करके या फिर वो शाम को बना कर आती थी। उससे हम रोज पूछते थे कि वो ठीक है ना, तो कहते हैं हाँ ठीक है। ये रात में अब फोन आया तो हम लोग जाने। रात में उधर से कौन किया? हाँ, वो एक बगल में घोटा वाला था, वही फोन किया। ये पागल मेरा भाई था, यही गया था तो बोला कि हमारा पिताजी नहीं बोल रहे हैं। तो वो लोग आए हैं तो आए देख करके आप फोन किए कि तुम्हारा पिताजी का ऐसा ऐसा हाल हो गया है। तो हम लोग दो तीन भाई हैं, चार पांच भाई। कितने बजे रात में फोन किए? 1:30 बजे करीब। 1:30 बजे रात में आपके घोटे पर वो लोग दूसरे घोटे वाले देखने गए थे? पागल बाबू थे मेरे, गुजर गए। हाँ। कितने मौत हो रहे हैं ग्यासपुर में? हाँ। अभी तक ले कोई रिपोर्ट और कोई भी पुलिस वाले आज तक ले ग्यासपुर में फाइनल नहीं दिए हैं। खुलासा नहीं हुआ? खुलासा नहीं हुआ है सर। हाँ, ये हमारा सबसे बड़का बाबा थे ग्यासपुर में, जो हम पीछे पीछे घूम रहे थे आज तक की डेट में। यहाँ पर देख सकते हैं सब लोग इस आदमी को पागल बोल रहे हैं। यहाँ पर आवाज़ उठा, सही आवाज़ यही उठा रहा है और कोई नहीं उठा रहा है। जिसके पास माइक जा रहा है यहाँ पर भाग जा रहा है। जब आप लोग आवाज़ उठाएंगे तभी ना कुछ होगा। सर, दो तीन कत्ल हो चुका है इस ग्यासपुर में। हाँ। दो तीन कत्ल हो चुके हैं। हाँ। आज अभी तक ले कोई सच्चाई ढूंढ के नहीं घर में किसी को दिया है। हाँ, ये ग्यासपुर में सिर्फ जी। अच्छा, ऐसे ऐसे मर्डर कई ग्यासपुर में हो चुका है। दियार में एक और लड़का का वहाँ पर हुआ था, फिर एक और लड़के का यहाँ पर गर्दन काट दिया गया था। सच्चाई नहीं मिल रहा है अभी तक। बोलेम लो रहुओ लोग के साथ तो हो सकेला। आवाज ना उठाएम लो तो रहुओ लोग विधवा हो सके नहीं लो। हाँ, आप लोग कहना चाहिए कि कत्ल होता है या मारी होता है,
चाकू मार देता केहू के केहू मुआ देता है। तो लोग कहे के ना चाहिए कि इतना जब मॉडल भइल बटे केहू सुनत नहीं के क्या केहू नहीं के सुनत इतना आदमी बटले न बा के बात भइल चार गो चार गो बियारे में हां जननी तीन आदमी के लोग हमको सर देखिए आप एक ही आदमी के पकड़िए आ जो मान लो वो सजा दीजिए लेकिन हमको इस मर्डर का गवाह चाहिए। कितने भाई हैं आप? हम लोग पांच भाई हैं। पांच भाई हैं। हां कितने साल के आपके पिताजी थे? अरे वो 85-86 हो गए। और वहीं पर अकेले रहकर घर बचपन से उधर ही रह गए थे। हां भाई गाय चराने के लिए सब लोग खाना वगैरह सब पहुंचा शाम को सुबह में खाना जाता है उधर आ शाम को घास उस काट करके लोग आ जाते हैं। अच्छा 80 साल के ब्रिज से किसकी दुश्मनी कौन मार दिया? कोई से ना कोई से दुश्मनी नहीं है। जमीन जायदाद की कुछ नहीं है कोई से दुश्मनी नहीं है। आस पड़ोसी से कोई भी यहां किसी से दुश्मनी नहीं किसी से झगड़ा किधर भी नहीं हुआ हमसे ना हमसे हुआ ना उनसे हुआ।